हेलो एवरीवन आई होप कि आप सभी का एग्जाम बहुत अच्छा गया होगा जिनका भी ट्रिपल एस पीईटी का फर्स्ट वाले शिफ्ट में पेपर था सो बेसिकली ये इसकी आंसर की है हमने एक और करा दी है जिसमें हमने करंट अफेयर्स और जीएस आपको करा दिया है वहाँ से जाके आप एक बार अपना सारा आंसर्स चेक कर सकते हो ये आपका दूसरा पार्ट है जो कि आपका इंग्लिश और हिंदी का है एक बार हम इसको भी चेक करते हैं ठीक है देखिए सबसे पहले हम इंग्लिश के क्वेश्चंस देखेंगे इंग्लिश में आप लोगों का सबसे पहले ना ये एक अनसीन पैसेज आया था ठीक है so, सो अगर आप इसको देखते हो तो देखिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन ये था कि भैया वायर ये जो आपका कैरोस ब्रदर्स हैं ठीक है एन आउटडोर टाइप की, ठीक है कि क्या ये जो थे थे बेसिकली आउटडोर टाइप में से थे. तो देखो अभी मैंने जी पूरा अनसीन पैसेज पढ़ा ठीक है तो आपको यहाँ पे साफ इसमें दिख रहा है भैया नेवर द आउटडोर है ना ये वाली चीज़ आपको लाइन यहाँ पे दिख भी रही होगी कि मतलब वो आउटडोर टाइप से नहीं थे तो इस हिसाब से इसका आंसर क्या होगा इसका आंसर होना चाहिए नो ओके नो इसका आंसर रहेगा इसके बाद मतलब बिल्कुल लाइक बिल्कुल अगर आप ठीक से आप लोगों ने इन सीन पैसेज पढ़ा होगा तो बिल्कुल सामने सामने आपको आंसर्स मिल जाएंगे ठीक है बहुत क्लियर तरीके से दिया हुआ है इसके बाद नेक्स्ट है कि वाई वर द स्क्विड्स कलेक्टेड ठीक है सो इसका आंसर क्या रहेगा दैट इज़ फोर बेटिंग ठीक है ये भी आपको दिया हुआ है यहाँ पे मैं uh, आपको दिखा दूँ uh, नीचे यहीं पर कहीं पर था ये लाइन मैंने भी पढ़ी थी तो uh, चलिए मैं आपको अगर आप देखना एक बार ठीक से ठीक so, है सो इसका आंसर डेट इज़ फोर बेटिंग रहेगा अभी मुझे मिल नहीं रहा है कहाँ पर था ये चलिए नेक्स्ट उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से क्योंकि मुझे जल्दी कंप्लीट करना है अब देखो ये बीच में यहाँ पे थोड़ा सा आई थिंक इन बाय मिस्टेक थोड़ी सी दो चीज़ें अलग उसकी आ चुकी हैं इनकी है ना ये uh, yes, थोड़ा सा रीजनिंग में इनका, इनका इंक्लूड हो गया है चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा अब ये देखो गिव द दे स्नोनियम ऑफ द वर्ड ठीक है पार्शियल पार्शियल का अगर आप स्नोनियम देखोगे तो डैट इज़ क्या होता है डैट इज़ इनकम्प्लीट ठीक है इसका आंसर होगा इनकम्प्लीट इसके बाद आपको एंटोनियम मीन्स स्नोनियम्स होते हैं जो बेसिकली सिमिलर होते हैं प्रया वाची आप उसको बोलते हो और एंटोनियम्स का मतलब होता है जो व्लोम शब्द होते हैं

स्टार्ट अब हम थोड़ा सा हिंदी वाला पार्ट देखते हैं भैया है, हिंदी वाले सेक्शन में किस तरह के क्वेश्चन आए देखो सबसे पहला क्वेश्चन ये था आपका हिंदी वाले सेक्शन में एक मिनट रुकना यस ये सेवंथ वाला जो क्वेश्चन है ठीक है इसको आप देखो ये था कि भैया किस विकल्प में से सही विलोम युग्म है ठीक है इसमें से यानी कौन सा बिल्कुल सही है तो देखो बताओ कौन सा सही है नूतन डेट इज पुरातन नूतन मतलब होता है नया और पुरातन मतलब होता है पुराना सो so, यही वाला सही है ठीक है इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था ख्याली पुलाव पकाना ये मुहावरा आपको दिया है और उसका आपको अर्थ बताना है सो so, ख्याली पुलाव का मतलब होता है कि भैया जो भी असंभव बातें होती हैं ना कि हम कहते हैं ना कि यार देखो कितना ख्याली पुलाव पका रहा है मतलब ऐसी बातें जो संभव नहीं हैं और उनकी आप लोग कल्पना करें ठीक है उनका बेसिकली आप लोग इमेजिनेशन करें वही चीज़ सो सी इज़ द राइट आंसर इसके बाद है महर्षि शब्द का सही देखो संधि विच्छेद से क्वेश्चन था तो महर्षि का जो संधि विच्छेद होता है डेट इज़ महा प्लस ऋषि ठीक है फोर्थ इज़ द राइट आंसर महा प्लस ऋषि इसके बाद यहां पे ना आपने बताना है कि ये आपको कुछ दिए हुए ठीक है यानी कि ये आपके जैसे वर्ड्स है मान लीजिए आपका अनिल है, तो उसका अर्थ क्या यही होता है उसका भेट बेसिकली बताना है सो so, अब इसमें से देखो अनिल का मतलब हवाई होता है अनिल मतलब आग होता है अंश का मतलब हिस्सा है अंश का मतलब कंधा है अपेक्षा का मतलब आशा है अपेक्षा का मतलब निराधर ठीक है और लेकिन जो अवलंब है ठीक है एक मिनट एक मिनट एक मिनट ठीक है इसके बाद यानी कि जो आपका अवलंब है और जो ये है ये बेसिकली यहाँ पे गलत है ठीक है तो ये आंसर नहीं होगा यानी कि पूछ रहा है ना कौन सा सही है आपने बताना है अर्थवेद कौन सा सही नहीं है तो नहीं पूछ रहा है तो डेट इज़ फोर्थ वाला इसका सही आंसर होगा ठीक है चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये पूछा है कि भैया किस विकल्प में सभी आपने यहाँ पे पर्यायवाची बताना है तो देखो पर्यायवाची अगर आप देखोगे सारे तो ये एक दूसरे के पर्यायवाची या डेट इज़ पार्वती रुद्राणी भवानी ठीक है ये माँ पार्वती मैया के माँ गौरा मैया के इनके क्या है पर्यायवाची है सो so, इसका ए वाला सही आंसर है ठीक है एक तो आपका ये वाली चीज आई थी हिंदी में इसके बाद देखो आगे आप लोगों का थोड़ा सा गद्यांश और पद्यांश वाले क्वेश्चन आए थे ठीक है इसको देखते हैं ये आप लोगों का देखो आप लोगों ने पढ़ा होगा अनसीन पैसेज पूरा तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इस गद्यांश का यह साहित्य अपने दायित्व का निर्वाह किस प्रकार करता है ठीक है तो डेट इज उसका आंसर होगा आपका दुष्प्रभावों प्र... को सामने लाकर ठीक है बीस का सही आंसर होगा इसके बाद जल्दी जल्दी देखेंगे ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपका सेकंड क्वेश्चन आया था कि भैया साहित्यकार समाज के प्रति अपने उद्देश्यों को कैसे परिपूर्ण करता है तो बताइए कैसे करके परिपूर्ण करता है तो इसका आंसर होगा आप लोगों का ट इज फर्स्ट आंसर ठीक है ए इज द राइट आंसर यानी कि साहित्यकार समाज में अपनी कृतियों द्वारा आशा का संचार करता है उत्साह और कार्यवाद का संदेश देता है ठीक है इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था साहित्य हमें किस तरह की पुरानी पीढ़ियों की जानकारी देता है ठीक है तो इसका आंसर रहेगा आपका बी यानी कि राष्ट्र का इतिहास गरिमा ये वाला ऑप्शन इसका सही रहेगा ठीक है थीके? बी इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है साहित्य केवल समाज का दर्पण क्यों नहीं है बताइए क्यों नहीं है क्योंकि साहित्य ए इसका सही आंसर है क्योंकि साहित्य द्वारा समाज की विडंबनाओं और विसंगतियों पर प्रहार करके उनमें सुधार लाने की कोशिश की जाती है ठीक है ए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था भैया प्रस्तुत गद्यांश का सर्वाधिक उचित शीर्षक ठीक है क्या हो सकता है तो इसका आंसर होगा आपका साहित्य और समाज के ऊपर ये पूरा का पूरा आपका गद्यांश था तो यही इसका ऊपर क्या है सर्वाधिक सबसे ज़्यादा उचित शीर्षक है ठीक है ए इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन था ये आपका पद्यांश आया था ठीक है तो सॉरी uh, ये आपका दोबारा से गद्यांश है तो इसमें हम अगेन इसको देखते हैं कि भैया इसमें किस तरीके से आया है डैट इज अगर आपको सत्य की आराधना भक्ति है ठीक है वही सारी चीज़ें फिर से अगेन उसी से रिलेटेड है देखते हैं इसको जल्दी से तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये इसका फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर एक मिनट रुकेंगे एक मिनट एक मिनट यस गद्यांश में येस, ये आपको बताना है कि भैया जो चीर स्थायी शब्द कौन सा विलोम बताना है आपने ठीक है तो इसका आंसर जो होगा डेट इज शडभंगू ठीक है क्या होगा शडभंगूर होगा इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है सत्य की तलाश कैसे की जानी चाहिए बताइए सत्य की जो तलाश है भाई वो श्रद्धापूर्वक ठीक है अंत है विद्यमान सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए सत्य का साक्षात्कार करें ठीक है ये इसका आंसर होगा उसके बाद नेक्स्ट जिज्ञासु को सत्य व अहिंसा के पद पर चलते समय संकटों का सामना कैसे करना पड़ता है ठीक है कैसे करना चाहिए तो अगर हम इसको देखेंगे तो इसका आंसर आप लोगों रहे का रहेगा रहेगाट इज संकटों को सहते हुए निमित नाश किए बिना आगे बढ़ना चाहिए, चाहिए। ठीक है इसका आंसर जो रहेगा डेट इज ए इसका आंसर होगा ठीक है कौन सा आंसर होगा इसका ए इसका आंसर होगा इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें सत्य और अहिंसा के मार्ग को असी की धार पर चलने के समान क्यों बताया गया है बताइए इसलिए बताया गया है इसका आंसर जो होगा फर्स्ट होगा क्योंकि सत्य और अहिंसा का मार्ग जितना सीधा होगा उतना ही तंग है और इस मार्ग पर चलना अत्यंत कठिन है ठीक है इसलिए इसको बेसिकली असी की धार बताया गया है इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था भैया सत्य रूपी परमेश्वर की रतन चिता चिंतामणि को प्राप्त करने के लिए हम क्या कर सकते हैं ठीक है ये इसका बेसिकली क्वेश्चन आया था तो इसको देखते हैं तो इसका आंसर जो रहेगा आप लोगों की भैया सत्य की क्या करेंगे आराधना करेंगे ठीक है ए इसका सही आंसर होगा ए इसका सही आंसर होगा ठीक है सो ये बेसिकली सारे क्वेश्चन आप लोगों के आए थे और इसके बाद ये ये आप लोगों का रहेगा किस चीज़ का इंग्लिश और हिंदी वाला पार्ट रहा ठीक है करंट अफेयर्स और जीएस भी हमने करा दिया है प्लेलिस्ट अभी आप देखोगे डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक है तो वहाँ से जाके आप लोग उसको देख सकते हो ठीक है अपने आंसर्स को चेक कर सकते हो इसके बाद अब मैथ्स और रीजनिंग का भी कम्प्लीट कर लेते हैं तो आपका फिर सारे पार्ट कम्प्लीट हो जाएंगे ओके सो थैंक यू